प्लास्टिक बैग से छुटकारा पाने के लिए मुल्तान में फैब्रिक बैग्स तैयार करना शुरू कर दिए गए हैं, जो सस्ते भी हैं और माहौल दोस्त भी। आदिल निजामी रिपोर्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लग गई तो क्या हुआ, मुल्तान के फैक्ट्री मालिक ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। जी जनाब, अब प्लास्टिक बैग्स को बाय बाय कहें और फैब्रिक बैग का इस्तेमाल करें। मुनफरिद रंगों से मुजयन फैब्रिक बैग्स दिखने में जितने खूबसूरत हैं, उतने माहौल दोस्त भी है। इसकी खसूसियात ये कि नॉन वुमन है और ये कपड़े की मानिंद होता है और इसको बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं घर में, और इसका ये है कि 2-3 महीने के बाद ये मिट्टी या धूप लगे ये डिसॉल्व हो जाता है। प्लास्टिक बैग पर लगाई जाने वाली मुमकिना पाबंदी के बायस फैब्रिक्स बैग की खपत में भी इजाफा हुआ है। तो इस शॉपिंग बैग की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, टीबी, हार्ट के पेशेंट बन रहे हैं। तो हमने चला शॉपिंग बैग को कैंट से ख़त्म करेंगे। इसमें टोटल हम जो फोकस करेंगे, पहले इंशाल्लाह ईटेबल आइटम होंगे, वो ईटेबल आइटम पे बिल्कुल शॉपिंग बैग पाबंदी होगी। फैब्रिक बैग की कीमत सिर्फ 5 रुपए है, जिसको एक मर्तबा इस्तेमाल के बाद दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन मुजम्मिल मंसूर के साथ आदिल निजामी, हम न्यूज़, मुल्तान।